हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मैन ऑफ फूड। माय नेम इज त्रिलोचन। तो ये पार्ट टू आ चुका, जो पार्ट वन दिखाया था आपको मैंने हेल्दी स्ट्रीट फूड का, और अब ये वाला जो व्लॉग है ये है हेल्दी डाइट फूड जो हम लोग मार्केट से लेके घर तक बनाने वाले। तो विशाल भी आ चुका, विशाल का वर्कआउट हो चुका, तो मैं कैमरा घुमाता हूँ, विशाल को सिर्फ दिखाता हूँ क्या करने वाले अभी। विशाल इज हियर। हम लोग यहाँ से जाने वाले मार्केट, अंधेरी मार्केट, उन पर जाके हम चीज़ें खरीदेंगे जो डाइट के लिए बनाने वाले, और जो डाइट बनने वाला वो रेसिपी है विशाल के पास, तो विशाल चूज करेंगे क्या खरीदना है। तो विशाल क्या करने वाले हम लोग आज? तो आज हम लोग बनाने वाले हैं लंच मील, और जिसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट होगा, और अगर आप मसल बिल्डिंग पर है या फैट लॉस के प्रोग्राम पर है तो ये सबसे हेल्दी मील है। तो इसे आप कोई भी गोल पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे मसल बिल्डिंग पर हो या फैट लॉस पर हो। तो बस एंड तक बने रहिए, और ये बहुत ही अमेजिंग मील है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चले हम, ठीक है, चलो हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं। हमारी बाइक तो खड़ी है, बाइक निकालता हूँ मैं, हम यहाँ से डायरेक्ट सीधा हम जा रहे हैं अंधेरी मार्केट। अंधेरी मार्केट जाके वहाँ पे ऑफिस ऑन कर। ठीक है, अंधेरी मार्केट में आ चुके हम लोग, अभी अंदर जा रहे हैं और देखते हैं अंदर की तरफ एंट्री करें जहाँ पे वेजीज और सारे वेजिटेबल्स और चिकन मिलता है। तो हम लोगों ने मास्क भी पूरे प्रिकॉशन किया था अंदर घुसे मार्केट में, कि बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, यू कैन सी इतना रश है यहाँ पे बॉम्बे पोल्ट्री पे, और यहाँ पे भी यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट अच्छा वाला। सो विशाल कितना ले लेंगे चिकन? 1 kg लेते हैं चिकन ब्रेस्ट। 1 kg चिकन ब्रेस्ट ना? ठीक है, 1 kg चिकन ब्रेस्ट, एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं पीछे की तरफ, फिर जाके लेते हैं वेजीज। ओके सर, 1 kg कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। सो वेजीज हो गए, सारे वेजीज ले लिए, सारे वेजीज ले लिए, चिकन ले लिया है, और बहुत बढ़िया चीज़ है वो कि रोज़ मेरी और थाई मिला मेरे को फ्रेश, अभी अंधेरी मार्केट में। सो यूजुअली आपको नॉर्मल मार्केट्स में नहीं मिलता है, पर यहाँ पे मिल चुका है मुझे। सो लेट्स गो होम, ऐसे सीधा घर जाते हैं, घर जाके डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलते भाई? यस यस, ऑल गुड। चलो भाई, मेलन होता है ना। मार्केट से शॉपिंग करके हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर विशाल के घर में। रेडी, विशाल का फ्रेंड अंदर है, लेट्स गो विशाल इनसाइड। वो वेट कर रहा है। हाय करण, क्या बोलते करण भाई? क्या बोलते करण भाई, कैसे हो? मस्त। यस, चलो आज कुछ बनने वाला है मस्त डाइट फूड स्पेशल। करते हम लोग खाना बनाना। वेजीज मस्त लग रहे हैं मुझे, जो जो वेजीज लिए हमने, फ्रेश है वेजीज, फ्रेश। तो हम लोग पहले क्या करने वाले, हम लोग काटने वाले सारे वेजेस को, उसको साफ करेंगे, उसके बाद में उसको सौते करेंगे, सौते करके उसके अंदर थोड़े हर्ब्स जाने वाले, हल्का फुल्का थोड़ा मसाला जाएगा उसके अंदर, उसके बाद फिर चिकन बनेंगे। हाँ, फिर उसका चिकन ग्रिल करेंगे। तो चलो शुरुआत करते, आ जाओ। यहाँ पे ब्रोकली और मैं बीन्स को ब्लांच कर लूँगा तब तक, और इसको साइड में रख दे। चिकन तो धुल गया अच्छे से, मस्त हो गया फ्रेश, तो लेट्स मैरिनेट। वेजेस भी कट चुका है, ब्रोकली भी ब्लांच हो चुका है अपना, तो हम वेजेस को साइड में करते हैं, चिकन पे थोड़ा ओके फोकस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी, फटाफट करते हैं। बहुत भूख लगी सीरियसली। चलो उसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो चिकन ब्रेस्ट के ऊपर हम जो मसाला हमने मिक्स किया है मैरिनेशन, उसको लगा देंगे। आप स्पून भी यूज कर सकते हो, बट मैं मेरे हाथ यूज कर रहा हूँ, बैर हैंड्स। सो मैं हाथ से अच्छे से रब कर दूंगा ऐसे,
थोड़ा फ्लेवर उसको कम रखा है बिकॉज थोड़ा हेल्दी फूड बनने वाला आज। इसको रख देते हम साइड में फ्रिज में, तब तक थोड़ी देर मैरिनेट हो गए, उसके बाद हम अभी वेजिटेबल सौते कर लेता हूँ। Sure. हो चुका है और मैंने नॉनस्टिक पैन यूज़ किया है। सो यूजुअली अगर आपको चेक करना है ऑयल हीटअप हो चुका है कि नहीं, तो यूज़ योर बैक साइड ऑफ योर हैंड और उसको आप टेम्परेचर चेक कीजिए। इससे पता चलेगा अगर हीट ज़्यादा लग रहा है तो मतलब ऑयल हीट हो चुका है, हीटअप हो चुका है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आई विल पुट सम बेल पेपर बोथ रेड एंड ग्रीन। मैरिनेट हो गया, इसको मैं डालूंगा ग्रिलर के ऊपर। वाओ, जब तक वेजीज और चिकन ग्रिल हो रहा है आप लाइक कर दीजिए, अब तक देखा है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, हाँ नहीं किया तो कमेंट भी करना कैसा लगा वीडियो अभी तक, और आगे वेट कीजिए जब ये बन जाएगा पूरा उसके बाद सीधा टेबल पे लेके जाऊंगा मैं और खा के विशाल को पूछूंगा कैसा है विशाल टेस्ट। बिल्कुल, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी। चलिए तब तक आप देखते रहिए कैसा बन रहा है। जैसा मैंने बोला था मेरे फर्स्ट वाले पार्ट वन में, हम जाएंगे मार्केट, मार्केट से घर, घर से किचन, किचन से प्लेट में, प्लेट से फिर पेट में, अब प्लेट में जाने की बारी आ गई है। लेट्स बिगिन विशाल, यू स्टार्ट विथ यू। क्या हमने क्या किया यहाँ पे, थोड़े आइसबर्ग लेट्यूस रख दिया मैंने, ठीक है, और वेजिस को सौते कर लिया अच्छे से, और ये ब्रोकली ब्लांच किया था जो आपने वीडियो में देखा था। तो गाइज ये जो प्लेट में आप चिकन देख रहे हो, चिकन ब्रेस्ट, तो ये लगभग 200 ग्राम के आसपास होगा। तो 200 ग्राम के आसपास मतलब आप मान के चलो आपको 55 to 60 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा, और आप यहाँ देख रहे हो वेजेस, और इससे आपको ब्रोकली से आपको गुड काव्स भी मिल रहा है। तो अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग या फैट लॉस, जो भी अगर आपका गोल है, तो ये सबसे बेस्ट और हेल्दी मील है आपके लिए। अगर आप इसी मील को अगर आप दिन में 3 से 4 बार खाते हो, तो आप समझ लो कि आपके जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो बॉडी है जिम में नहीं, वो यहाँ बनेगी। तो हेल्दी खाना खाइए। और एनीवेज ब्रो, तूने बहुत अच्छा बनाया यार, मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत अमेजिंग लगा। तू एक काम कर, तू रोज आया कर घर पे। जरूर जरूर जरूर, रोज आऊंगा मैं। अगर रोज मुझे भी ऐसा खाना खाने मिला, डेफिनेटली मैं भी आऊंगा। और चिकन भी ट्राई करो, ट्राई करता हूँ मैं भी। मैं ट्राई करता हूँ चिकन अभी। यम्मी, वाव वाव, अमेजिंग। तो गाइस कभी ट्राई करना इस चीज को, अमेजिंग। तो हमने स्टार्ट किया था 12 बजे, अब बज रहा है 3। बहुत ज्यादा वक्त लग गया भाई लोग, सीरियसली बहुत मेहनत किया वीडियो ये ब्लॉग बनाने के लिए। आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। बिल्कुल, और आपने रेसिपीज तो देख ली है कि किस तरीके से हमने बनाया, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें अपने डाइट में, और कमेंट में मेंशन भी करना अगर आपने ट्राई किया है। अगर आपने ट्राई किया है तो कमेंट में मेंशन करना मैन ऑफ फूड,
और बताना कि आपको कैसा लगा टेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैन ऑफ फूड। डू टेक वैक्सीन, अगर नहीं लिया है ले लीजिए, अगर ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, बूस्टर का वेट कीजिए। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक यू एंड तक वीडियो को देखने के लिए, बहुत मेहनत लगा है इसके अंदर। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।